हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश यादव एक्टिव एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक नया बैच लेके आए हम मैथ सीरीज का, जो सीटी एग्जाम है उसके लिए मैथ सीरीज चलेगी आपकी। और जितने भी पुराने प्रश्न आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है, जो एचएसएससी ने अभी तक एग्जाम करवाए हैं उनके प्रश्न, प्लस जो सीटी कंडक्ट करवाएगी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके जो पर्सन ये जो एग्जाम करवाती है और उसने जो क्वेश्चन दिए हैं इनके सिलेबस में, जो ये जारी करेंगे, सिलेबस जारी करते हैं कि नहीं करते पूरा, तो वो जो पर्सन है उनकी साथ मिलाकर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो एचएसएससी के आए हुए पर्सन है वो पढ़ेंगे, प्लस में एनटीए जो अभी तक एग्जाम लेती है उनमें अर्थमेटिक के आपके जो पर्सन दिए हैं उनको शामिल करेंगे। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम करवाएं उससे पहले आपके सीरीज कंप्लीट कर दे और आप जो भी एग्जाम दे उसमें अच्छे नंबर ले पाओ। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अब आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, जो क्लासें चल रही थी वो भी धीरे धीरे आपको ऐसे मिलते रहेंगे, लेकिन क्लास तो आपने ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ रखी है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की दिक्कत आती है, कुछ क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है। तो आप मेरे साथ करते रहोगे तो जो जो प्रश्न में आपको समस्या आई है वो भी क्लियर हो जाएगी, और जो प्रश्न है पुराने वो साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अब आप काम करो कि मैं जो क्वेश्चन लिखता हूँ उनको सोल्व करने की कोशिश करें और अपनी स्पीड दिखाएं कौन कितनी स्पीडली क्वेश्चन सोल्व कर पाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न देखो कि चावल का मूल्य 10 रुपए से बढ़ाकर 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया, तो मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ऐसा सिंपल सा प्रश्न आप देखते कर दोगे कि 25% कैसे आया, 10 रुपए से बढ़ाकर 12.5 कर दिए, तो 10 रुपए पर कितने रुपए बढ़ गए, 2.5 रुपए। 10 रुपए पर कितने बढ़ गए, 2.5 रुपए, तो 100 पर कितने बढ़ेंगे, 25 रुपए। और 100 पर ही क्या होता है, प्रतिशत होगा, ये मैंने अच्छी तरह से दिखा रखा आपको। जिसने नहीं देख रखे पुराने वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख ले। ठीक है, तो देखो 10 रुपए पर, अब भी जिसके समझ में नहीं आया वो देखो 10 रुपए पर कितने रुपए बढ़ गए, 10 से मूल्य कितना हो गए 12.5, कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 2.5 रुपए की, 2.5 रुपए बढ़े हैं कितने रुपए पर, 10 रुपए पर, प्रतिशत ज्ञात करेंगे गुणा 100, तो ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितने परसेंट आंसर आ गया, 25% आ गया। अब देखो प्रश्न क्या समस्या करेगा, यही प्रश्न अगर दे दिया जाए और आप पढ़ के गए हो तो रट के गए हो तो ये आंसर 25% लगा दोगे, और इसमें ये लिख दे कि कितना मूल्य कम किया जाए कि वापिस, कितने प्रतिशत मूल्य कम किया जाए कि वापिस वही मूल्य प्राप्त तो हो जाए। तो वापिस कम करोगे तो कितने रुपए पर करोगे, 12.5 रुपए पर, और कितने रुपए कम करने होंगे, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए कितने पर कम होंगे, 12.5 पर। देखो वृद्धि कितने ऊपर हुई है, 10 पर, और सवाल कहे कि वापिस वही मूल्य प्राप्त हो तो कितने प्रतिशत की कमी करें, तो कितने पर कमी करनी पड़ेगी, 12.5 पर, तो नीचे 12.5 और गुणा 100 लिखा जाएगा, है ना। आगे इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा, अभी तो इसको देखो ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखना, प्रत्येक महीना राम अपने वेतन का 45% खर्च करता है, प्रत्येक महीना राम अपने वेतन का 45% खर्च करता है, और हम कोशिश करेंगे आगे धीरे धीरे कि आपको जो क्वेश्चन है, अभी तो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो इसमें दिक्कत होती है, जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में मिल जाए और हिंदी में भी मिल जाए, तो अभी तो हिंदी वालों से काम चलाना पड़ेगा। देखो समझ जाओ, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो प्रत्येक महीना राम अपने वेतन का 45% खर्च करता है और 4400 रुपये बचाता है, तो यहाँ हमें बचत दे रखी है और प्रतिशत में क्या दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, वैल्यू इक्वल करनी है अपने को कि 100 रुपये में से 45 खर्च कर दिए तो बचाए कितने उसने, 55 रुपये, यानी 55% की बचत करता है, लेकिन सवाल में लिख रखा है 55% कितने के बराबर है, 4400 के, प्रतिशत ज्ञात करना है, सॉरी कुल मूल्य ज्ञात करना है, मासिक वेतन तो गुणा 100, क्योंकि पूरे रुपए कितने हैं इसके, 100, तो देखो ये काट दो 11 चौक 44 11 55, 5 से काटेंगे 20 500, गुणा करेंगे कितना जाएगा, आपको ऑप्शन दिख जाएगा 8000 रुपए, कितने रुपए आ गए, 8000 रुपए। क्लियर, कोई दिक्कत,
आ गया है सभी को। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगभग एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है इस टाइप का, और बहुत ही सरल प्रश्न है, इतना टफ भी नहीं है, आप बड़े आसानी से कर पाओगे इसको। तो इसमें लिखा हुआ, यदि किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाए, है ना, कई बार लिख देगा 60% 60 में 60 जोड़ा जाए, 40% में 40 जोड़ा जाए, सेम संख्या सेम वैल्यू लिखता है, यहीं पर ही माइंड गेम है, यहीं पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। यदि किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही नंबर होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसी भी नंबर का 75% में यदि 75 जोड़ दे तो हमें वो संख्या मिल जाती है, और आपको पता होगा पूरी संख्या, कोई भी संख्या होती है अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है, तो वो वैल्यू वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 100% नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 75% में 75 नहीं जोड़ सकते, प्रतिशत में प्रतिशत जुड़ेगा, संख्या में संख्या, है ना, अनुपात के क्वेश्चन करते हैं, रेशियो में रेशियो ऐड करते हैं, तो 75% में कितने परसेंट जोड़े, 25%। सवाल कहता है 25% नहीं जोड़ेंगे, भाई हम तो जोड़ेंगे 75, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कितना जुड़ना चाहिए, 25%। इसका अर्थ ये है कि 25% ही 75 है या 75 ही 25% है, तो 25% की वैल्यू कितनी आ गई, 75। कुल मूल्य ज्ञात करना है, कुल संख्या ज्ञात करनी, कितने से गुणा कर दो, 100 से, तो 25 गुणा करोगे कितना जाएगा, 300। यानी कि ये जो हमारी संख्या आई वो आई है 300, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 150 का कितने प्रतिशत, 40 होगा। तो इसको देखो दो तरीके से बताता हूँ मैं तुम्हें, एक तो ऐसे लिख सकते हो 150 का अर्थ गुणा x प्रतिशत हटाएंगे 100 बराबर कितना जाए 40, तो x का मान निकालना आपको, तो 40 150 का आ जाएगा नीचे, और ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 0 से 0, 5 दूने 10, 5 दिया 15, 80/3 एक ही ऑप्शन है, 26/2/3%, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, सरल ही है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, नीचे जो वैल्यू है ऊपर चली जाती है, और ऊपर जो वैल्यू वो कहाँ जाती है, नीचे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 150 का कितने प्रतिशत, 40 है, यानी 40 150 का कितने प्रतिशत है, 40 150 का कितने प्रतिशत है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 40 का वाली वैल्यू नीचे और गुणा 100, ऐसे भी हल कर सकते हो, यह जाएगा 26/2/3%, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब ये जो प्रश्न आपके सामने, कपड़ों की एक दुकान में 40% कामगार पुरुष हैं, यदि कपड़ों की दुकान में कार्य करने वाले की संख्या 100 है तो कुल संख्या कितनी है। यानी ये प्रश्न ये है, कपड़ों की एक दुकान में 40% कामगार पुरुष है, यदि कपड़ों की दुकान में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या, ये था प्रश्न, पुरुषों की संख्या ऐड कर लेना इसको, पुरुषों की संख्या 100 है तो कुल संख्या कितनी है। तो इसमें देखो स्पष्ट लिखा हुआ है 40% संख्या पुरुषों की है, और वैसे पुरुष कितने हैं, 100, यानी 40% की वैल्यू कितनी है, 100, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 0 से 0 उड़ा दो, 4 से काटोगे 25, 25 गुणा 10 कितना जाएगा, 250। ऐसे भी कर सकते थे, जिसको ऐसे पढ़ रखा है कि 40% कितना होता है, 2/5, यानी 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, 40, तो 5 का मान कितना होगा, तो 2 यूनिट 40 के बराबर, 1 20 के बराबर हो जाएगी, और 5 कितने के बराबर हो जाएगी, सॉरी 100 है ना ये संख्या, 2 यूनिट 100 के बराबर, कुल संख्या 100 है, 2 यूनिट 100 के बराबर, 1 यूनिट का मान 50, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 250। ऐसे फ्रैक्शन बना के भी हल कर सकते हो, क्या ऐसे भी दोनों सिंपल ही है, ऐसा कुछ खास नहीं भाई, आप ऐसे करो, जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके का यूज करना है आपको, दोनों ही आने चाहिए आपको। एक परीक्षा में 42%, क्योंकि फ्रैक्शन तभी बना पाओगे जब ये प्रतिशत हटाना करना सवाल सोल्व करने आते आगे के। एक परीक्षा में 52% प्रत्याशी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुई, यानी कि फेल हो गए भाई अंग्रेजी में, और 42% गणित में, तथा 17 दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है। तो ऐसे सवाल में
मैंने बताया था क्या करना आपको, कि जो अलग अलग दे रखा है, अलग अलग यानी सब्जेक्ट अलग अलग दे रखे हैं, दो का तीन का प्रश्न, अब की बार जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें तीन वाले क्वेश्चन भी आए थे, है ना, तो इलेवेंथ की जो थ्योरी है यूनियन वाली उसके हिसाब से, या फिर आप उसको वैल्यू पुट करके और अकॉर्डिंग रखो सोच सोच के क्या क्या वैल्यू उसमें पुट करे तो कर सकते हो। लेकिन ये दो वाले प्रश्न अभी तो अपने पास 52 प्रत्याशी अंग्रेजी में और गणित में 42, तो अलग अलग वालों को तो जोड़ लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट जोड़ लेते हैं, वो दोनों वालों को क्या कर लेते हैं इसमें से माइनस, तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 94, और 94 में से 17 घटाओगे, 94 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो ये बचेगा भाई तुम्हारा 10, 84, 77 बचेगा, कितने परसेंट फेल हो गए, 77%। आपने देखा कोई ऑप्शन नहीं, कोई नहीं, गलत हो जाएगा, मत करना, क्यों, क्योंकि पूछा क्या आपसे उत्तीर्ण, और प्रतिशत किसका लिखा है, अनुत्तीर्ण का, यानी फेल का परसेंट लिखा है, पास वाले पूछे, तो 100 में से 77 फेल हो गए, 100 में से 77 फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 23, तो ये आंसर हमारा सही है, क्लियर। अगला देखो, एक कर्मचारी, यदि एक कर्मचारी के मासिक वेतन में 8/3% की बढ़ोतरी होती है तो वह 72 रुपए ज्यादा प्राप्त करता है, उसकी मासिक तनख्वाह कितनी है। देखो भी 8/3% की बढ़ोतरी हुई जिसके कारण 72 रुपए बढ़ गए, तो स्पष्ट लिख रखा है इसने, 8/3% की वैल्यू कितनी दे रखी इसने, 72 दे रखी है, 8/3% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72, और 100% की पूछी है, तो काट दो 8 9 72 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2700 रुपए, आंसर हमारा हो जाएगा ये, सीधा सा लिखा हुआ है 8/3% 72 के बराबर, कुल मूल्य पूछा है 100% का, ठीक है। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, आयत में क्या होते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी बढ़ा दी, देखो बढ़ाए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, घटाए तो 100 में से घटाकर लिखते हैं, है ना, तो ये कितना आ गया 144%, तो 100 से कितना बढ़ गया 44, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई 44% की। इसमें और भी तरीके लगा सकते हो आप, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, फ्रैक्शन बना सकते हो कि 5 से कितनी हो गई 6, और दूसरी भुजा भी 5 से कितनी हो गई 6 हो गई, तो पहले क्षेत्रफल 25 आता तो अब कितना आएगा 36, कितना बढ़ गया 11, कितने पर 25 पर, प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो गुणा 100। ये अपन क्लास में पढ़ते हैं सारी चीजें कि कितने इसमें तरीके लगा सकते हैं अलग अलग, लेकिन आप एग्जाम में जब सोल्व करोगे तो जो आपको सिंपल लगे, जिसमें आपका मन करे कि ठीक ठाक ये ठीक है तरीका, उसी से ही सोल्व करें, उत्तर सही आ जाए अपना, नंबर एक चाहिए, ठीक है, तरीके का कोई नंबर नहीं होता, तरीका कोई भी लगाओ आप चाहे। तो ये क्लास थी आपकी, आगे आगे मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ी लंबी क्लासें दे पाऊँ, और कम से कम एक क्लास में 25-30 क्वेश्चन अपन हल करें, और जल्दी से जल्दी आए हुए क्वेश्चनों को समेट लें सारे के सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आप जब सपोर्ट करोगे तो हमारा भी मन करता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको है ना शेयर करोगे, सब्सक्राइब नहीं कर रखा अगर कोई नया स्टूडेंट है, नया यूजर है देखने वाला, तो आप इनको सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है, नीचे रेड बटन होगा उस पर क्लिक कर दे, पैसे नहीं कटेंगे किसी के भी, फ्री है वो, धन्यवाद।